कल्याण सेवा जन जागृति संगठन के पदाधिकारियों ने भिलाई की पूर्व परियोजना अधिकारी पूजा अग्रवाल के खिलाफ जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में महिला बाल विकास द्वारा संचालित रेडी टू ईट में हो रही धांधली की जानकारी दी गई है। ज्ञापन में पटरीपार के दूसरे समूह के रेडी टू ईट का संचालन दिए जाने की जानकारी दी गई है। भिलाई की पूर्व परियोजना अधिकारी पूजा अग्रवाल के खिलाफ कल्याण सेवा जन जागृति संगठन द्वारा जिला प्रशासन से शिकायत की गई है। साथ ही रेडी टू ईट के संचालन में हो रही धांधली से अवगत कराया गया है। वर्षों से सुपेला क्षेत्र में रेडी टू ईट का संचालन कर रही एक महिला समूह को इस कार्य से अकारण विमुख करने की जानकारी भी दी गई है। संगठन द्वारा अपर कलेक्टर पद्मनी भोई साहू से शिकायत की गई है, जिसकी जांच के लिए आवेदन वरिष्ठ अपर कलेक्टर प्रवीण कुमार को फॉरवर्ड कर दिया गया है। इस मामले में सुपेला क्षेत्र के पार्षद और नगर पालिक निगम भिलाई के जल कार्य विभाग के प्रभारी केशव चौबे, संगठन के अध्यक्ष सुमन शील और जुबेदा बेगम ने अपनी प्रतिक्रिया दी। 31 मार्च 2021 को दुर्ग के कार्यक्रम अधिकारी द्वारा एक विज्ञापन निकाला गया था, जिसमें रेडी टू ईट जो स्थानीय महिला समूह है उनको दिया जाना था, स्थानीय लोगों को दिया जाना था, लेकिन पूर्व परियोजना अधिकारी द्वारा इसमें गड़बड़ी करके बाहरी लोगों के समूह को दे दिया गया और यहाँ के स्थानीय जो महिलाएं हैं उनको बेरोजगार कर दिया गया है। इसकी जांच होनी चाहिए, त्वरित जांच होनी चाहिए और दोषी लोगों के ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। धन्यवाद। केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा करोड़ों रुपये महिला बाल विकास के माध्यम से रेडी टू ईट बांटने की कार्य आंगनबाड़ी केंद्रों में किया जाता है, क्योंकि जिससे कि पौष्टिक आहार गर्भवती महिला से लेकर कुपोषित बच्चे तक मिल सके। परंतु भिलाई जैसे शहर में जिस प्रकार का खेल रेडी टू ईट के नाम पर चल रहा है, जिसमें कि रेडी टू ईट पौष्टिक आहार के जगह अधिकतर आटा की मात्रा का वितरण करके 6 माह के बच्चे से लेकर 5 साल के बच्चे को खिलाकर उनके जान माल के साथ जिस तरह का खिलवाड़ किया गया है, उसके संबंध में कल्याण सेवा जनजागृति संगठन के द्वारा जिला कलेक्टर से लेकर संभाग आयुक्त तक इसका शिकायत किया गया था। परंतु उसके बावजूद भी जांच के अलावा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया, जिसे प्राथमिकता के साथ एशियन ग्रैंड एशियन न्यूज़ के द्वारा भी प्रकाशित किया गया। परंतु उसके बाद जब हमें पता चला कि एक अनंत स्वयं सहायता समूह है जिसे कार्य से वंचित किया गया, जब इसकी कारण की जानकारी हम लोग लेने के लिए जुबेदा बेगम से मुलाकात किए, तब पता चला कि उनसे परियोजना अधिकारी पूजा अग्रवाल जी के द्वारा लाखों रुपए का डिमांड किया जाता है। जब इसकी छानबीन हम लोगों ने और किया तो ऐसा पता चला कि इस संबंध में हर समूह कहीं ना कहीं प्रभावित है और प्रताड़ित है, जिसको लेकर हम लोगों ने उनके दिए गए आवेदन को पुनः अपर कलेक्टर से मुलाकात करके इस संबंध में समस्त जानकारी प्रदान की गई और अपर कलेक्टर भोई मैडम ने उसे गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच अपर कलेक्टर प्रवीण कुमार जी से करने का आश्वासन दिया है। परंतु बाद में पता चलता है कि जांच से पहले परियोजना अधिकारी पूजा अग्रवाल जी को उनके पद से विलुप्त करते हुए दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिया गया है। परंतु हमारी मांग यह है कि ऐसे अधिकारी के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इस कार्य में जो भी लिप्त है, जो भी अधिकारी इसमें लिप्त है, उनको तत्काल सरकारी पद से निलंबित किया जाना चाहिए। अन्यथा इस संबंध में हम कल्याण सेवा जनजागृति के संगठन के सभी सदस्यगण इसके खिलाफ एक जन आंदोलन करने के लिए विवश होगी और यहाँ तक अगर जरूरत पड़े तो जंतर मंतर दिल्ली में भी इसका धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मामला ये था, मैं वार्ड क्रमांक 16 निवासी जुबेदा खातून अनम स्वयं सहायता समूह चलाती थी 2009 से, जो कि मैंने मुख्यमंत्री, महिला बाल विकास मंत्री और क्या बोलते संचालय और महिला बाल विकास कलेक्टर सबको आवेदन दिया था, जो कि मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। और जबकि ये सूचना के अधिकार में भी कागज़ लगाया गया था, उसमें बोला कार्य लंबित है। और उसके बाद में मेरे से पूजा अग्रवाल हर महीना पैसा लेती थी, एक महीना पैसा नहीं देने के बाद में पूजा अग्रवाल ने मेरा काम को निरस्त कर दिया।
पूरे समूह को नोटिस एक साथ दिया गया था, कार्य से निलंबित किया जाता है। उसके बाद में मेरे समूह को निलंबित करके 3 महीने का कार्य सबको दिया गया, मुझे नहीं दिया गया। उसके बाद में पूजा अग्रवाल आई यूनिट पे आके मेरे जो समूह की महिलाएं थी उनसे बोल के गई कि मेरे ड्राइवर को 1 लाख रुपए अपनी मैडम को बोल के दिलवा देना और मेरा ड्राइवर आके 1 लाख रुपए ले जाएगा और किसी को बताएगी तो बहुत बुरा हो जाएगा। मैंने अपर कलेक्टर को भी सब बात से अवगत करवाया कि ऐसा ऐसा है, पहले 50,000 रुपये लेती थी, उसके बाद में 6% ऊपर के अधिकारी को देना है करके वो भी मंगी तो उसमें ज़्यादा हो गया। तो फिर जाके जैन साहब को भी बोला गया कि जैन साहब ये 6% मंग रही है, तो जैन साहब ने बोला कि हम नहीं कुछ जानते और आपकी परियोजना जाने और आप जानो। अभी किस तरह की जांच का आश्वासन दिया गया आपको? बोले कि प्रवीण कलेक्टर हैं, अपर कलेक्टर, वो जांच करेंगे करके। मेरा बयान भी लिया गया और जबकि पूरा पैसा लेने देने में पूरा हाथ बाके बिहारी वाली का था, पूरा पैसा बाके बिहारी द्वारा लिया जाता था। गौरतलब है कि जुबेदा बेगम द्वारा समूह के माध्यम से परिवार का संचालन किया जाता है। इस कार्य के बंद होने से उनके समक्ष रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो चुकी है। बहरहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।